शासन जो उन्होंने समाज में लगाया, समाज को दिया। आज एलडीएफ एक मोड़ लेने जा रहा है, इस बात की मुझे खुशी है और हमें खुशी होना चाहिए। सामाजिक काम करना एक समाज के लिए बहुत जरूरी है, मिशन को लेके चलना, लेकिन उसके आगे भी तो चलना है भाई। उसके आगे हमारे लिए ना तो दिशा है ना दशा है, हम परेशान हैं, समाज परेशान है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सब परेशान हैं। उन लोगों ने परेशान होकर ही पार्टियां बनाई होंगी ना, परेशान थे तभी तो अगला स्टेप लेना पड़ा। अगर खुश होते, ये जिम्मेदारी अगर आगे निभाई जाती, आगे वाले नेता इसको निभाते, तो शायद ये आज जरूरत नहीं पड़ती। अभी मेरे भाई राम एडवोकेट भानु प्रताप जी ने कहा, बहुत अच्छा कहा, कि हमें जो एक ऑलरेडी अलायंस है उसके साथ मिल जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात थी, लेकिन हम ग्रास लेवल पे भी तो काम करें ना। जो ग्रास लेवल पे, जो रूट लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनको कौन लेकर आएगा? ये काम किया डॉक्टर देशराज जी ने। यहाँ अलायंस बनी, यहाँ एक अलायंस बनाओ। अलायंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, अलायंस बनाओ। अलायंस के बाद फिर अलायंस बनाओ, जो ऑलरेडी अलायंस बन चुके हैं उनके साथ अलायंस बनाओ। सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो, वो मिलके अलायंस बनाओ, एक के बाद एक अलायंस बनाओ, पार्टी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें अपना गोल याद रखना चाहिए, हमें अपना टारगेट याद रखना चाहिए, हमारा फोकस वहाँ होना चाहिए कि हम ये सब किस लिए कर रहे हैं, अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ना। यहाँ पर किसी का भी पर्सनल हित मैंने नहीं देखा। मैं इतने लोगों से मिलती हूँ रोज, हम लोग डॉक्टर साहब और मैं रोज मिलते हैं। यहाँ पर तो जितने अभी बैठे हैं, इसकी तो मैं गारंटी देती हूँ कि यहाँ पर किसी का भी पर्सनल हित नहीं है। यहाँ कोई भी एमपी एमएलए नहीं बनना चाहता, यहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, लेकिन सबके दिलों में एक सवाल, दर्द, समाज का दर्द, वो कैसे दूर हो, इसी की दवाई खोज रहे हैं सब लोग। हम लोग दवा खोजने निकले हैं, हम अपने आप को डॉक्टर समझने लग गए हैं। समझ में आया कि उस मेरे भाई को कौन समझाएगा, उन मेरी बहनों को कौन समझाएगा जो आज भटक गए हैं। समाज भटक गया है, उस पर दूसरे लोग आकर काबिज होते हैं, वो कब्जा करते हैं और एक तानाशाही सरकार बनाते हैं। तो ये इसी समस्या के समाधान के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ और इस मुहिम में आप लोगों ने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी है, मैं ये नहीं कहती कि मैं खुद लीडर बनना चाहती हूँ या आप मुझे लीडरशिप में मानो, आप जो भी कहेंगे, जिस भी तरह से कहेंगे, मैं एक बाबा साहब की बेटी हूँ, मैं बाबा साहब के मिशन को करने के लिए दरी से लेकर माइक तक कुछ भी संभाल सकती हूँ। तो यहाँ पर उपस्थित आज जो डिसीजन लिया गया, मैं समझती हूँ कि वो एक मुकाम पर पहुँच गया है। हम वहाँ पहुँच गए हैं कि अब हमें डिसीजन ले लेना चाहिए कि सामाजिक फ्रंट में कौन काम करेगा और राजनीतिक फ्रंट में कौन काम करेगा और किस तरह से राजनीतिक फ्रंट को आगे चलाया जाएगा। आज हम देख रहे हैं देश के हालात कितने खराब हो गए हैं सर, यहाँ तक कि सरकारें तानाशाही बन गई हैं। ये स्थिति कहाँ से आई, हम उठे नहीं। थोड़ी सी दिक्कत तो हमें भी थी, हमने उठने की कोशिश भी नहीं की। हम यही समझते रहे कि बड़ा हमें पुकारेगा और हम चलेंगे। बड़े ने पुकारा नहीं और हम चले नहीं, और जब हम चले तो बड़े ने हमारा ध्यान नहीं दिया, तो हम करें क्या? समस्या तो हल नहीं होगी ना, करना तो पड़ेगा। अभी सब लोगों ने यही कहा। सर के एस बदलिया जी कहते हैं कि बेटा आप जाओ, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप जाओ राजनीति करो, लेकिन एक सर्कस की तरह, एक सर्कस में जिस तरह से नाचा जाता है, जिस तरह से करा जाता है, वो करो, लेकिन उसमें मेरे समाज का भला होना चाहिए, उसमें मेरे समाज का हित होना चाहिए।
हम उन्हीं उद्देश्यों को लेकर एलडीएफ ने अब तक जितना भी काम किया उसका कोई पर्सनल हित नहीं था, डॉक्टर साहब का आज तक कोई पर्सनल हित नहीं है, और मैं दावे से कहती हूँ कि उनका आगे भी कोई पर्सनल हित नहीं होगा। उन्होंने एलडीएफ का निर्माण किया, उन्होंने आज इस अलायंस को बनाने का काम किया, ये कोई साधारण आदमी का काम तो नहीं था। हम लोग काम तो कर ही रहे थे ना, लेकिन संगठित कौन करे भाई, संगठित कौन करे। तो आज उस काम को एक मुकाम पर पहुंचाकर एक ऐतिहासिक डेट का निर्माण कर दिया गया है। आज देश में और समाज में इतनी विकृतियां पैदा हो गई कि फिर समझ में यही आता है कि हम पार्टी का निर्माण करेंगे। और मैं ये ऐलान करती हूँ कि मैं भी गीता रानी एलडीएफ को एक पार्टी का निर्माण करूंगी। आज डेट नोट कर लिया है, मीडिया ये घोषणा कर चुकी है। आइए आप अपना जी, हम बहनें अब समाज में निकल चुकी हैं। अभी मेरे भाइयों ने हमें सपोर्ट किया है कि आप निकलो, आप समाज के लिए काम करो, हम आपके साथ हैं। हमें एक ऐसे ही समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां भाई और पिता ये कहे कि जाओ मेरी बेटियों, जंग लड़कर आओ, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, हम तुम्हारे साथ हैं। हम उसी काम को लेकर निकले हैं, उसी के लिए निकले हैं। पार्टी अब मैं मीडिया मुझसे क्वेश्चन करेगा, मुझे पता है वो जरूर पूछेगा कि इतनी सारी पार्टियां हैं हमारे पास, फिर पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये क्वेश्चन तो होता ही है। लेकिन पार्टी बनाने में कोई बुराई नहीं है, संगठन बनाने में भी कोई बुराई नहीं है। जो लोग पीछे रह गए हैं उनको लो, अलाइंस करो और आगे बढ़ो। जो काम कर रहा है उसे काम करने दो, उसका काम तो देखो। इकट्ठे होकर सरकार पे प्रेशर बनाओ। आज हालात इतने खराब हो गए हैं, हम देखते हैं कि एक तानाशाही सरकार का निर्माण हो गया है, उसके लिए उत्तर कहां से आएगा, उसके लिए उत्तर कौन देगा, कौन उत्तर देगा बताओ। हम देखते हैं कि जो भी आज तक 71 साल तक जो भी सरकार आई, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही या वो कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने एक तानाशाही की भूमिका निभाई। उन्होंने समाज के 85% लोगों की तरफ देखा ही नहीं, उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि ये लोग भी इंसान हैं। हम बहुत पीछे रह गए, एक उम्मीद बनी थी लेकिन वहां भी कंट्रावर्सी आ गई। हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, हम किसी भी पार्टी को बुरा नहीं कहना चाहते, लेकिन हम अपने हक अधिकारों की बात तो करेंगे ना भाई, अपने हक अधिकारों की तो बात करनी पड़ेगी ना। आज भी संविधान को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, संविधान के उद्देश्यों को लागू नहीं किया गया। हम 70 सालों में जो संविधान का इम्प्लीमेंट हुआ है वो केवल 10% हुआ है, 10%। जब 10% संविधान का इम्प्लीमेंट हुआ है तो हम यहां बैठे हैं। अगर वो 100% इम्प्लीमेंट हो जाता तो हम कहां होते, इसका अंदाजा लगाइए। आज हम उसी मुहिम को लेकर आगे चले हैं, हम संविधान को आगे लेकर चले हैं, संविधान के उद्देश्य को आगे लेकर चले हैं। हम नहीं चाहते संविधान के आर्टिकल 39 BC के अनुसार देश के जितने भी प्राकृतिक संपदा है सब पर समाज के सभी वर्गों का, सभी व्यक्तियों का, सभी लोगों का समान रूप से हक और अधिकार भागीदारी होनी चाहिए थी, लेकिन क्या वो हमें मिली, वो हमें नहीं मिली। वो सारी की सारी सरकारों ने अपने अंदर कब्जा करके वो एक एक विशेष वर्ग को दे दी। आज हम देखते हैं सरकार वो कभी भी किसी की तरफ नहीं देखती, वो समाज के संविधान के अनुसार समाज के वंचित, शोषित, पिछड़े, जो लोग पिछड़ गए हैं उनको कौन देखेगा। समाज में निकल कर देखिए, रोजगार के साधनों का जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं उनका सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है।
तो है कि हमने श्रमणों के लिए आर्थिक रूप से 10% का हमने आरक्षण कर दिया, लेकिन ये तो पॉलिटिकल स्टंट है ना भाई, आपको सोचना पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। अगर संविधान को लागू कर दिया जाता तो इन 10% की इसकी क्या जरूरत पड़ती है? बात तो सबके लिए करनी पड़ेगी ना, वो भी तो हमारे भाई हैं, हक अधिकार तो उन्हें भी देने पड़ेंगे ना। लेकिन अब इस सरकार को समझ जाना चाहिए, मैं खुले तौर पर कहती हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनको समझना पड़ेगा। अब इस समाज का युवा जाग गया है, इस समाज की बहन बेटी जाग गई है, इस समाज का वंचित वर्ग जाग गया है, वो अब इनके बहकावे में और भुलावे में नहीं आने वाला। बहुत हो गया इनका, अब हमें अपनी सरकार बनानी है, हमें चाहे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े, लेकिन हमें सत्ता तक पहुंचना है, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम चाहेंगे संवैधानिक तरीके से। इस बात का हम वादा करते हैं, जो भी काम करेंगे, चाहे राजनीति का करें चाहे सामाजिक का करें, संविधान के अंतर्गत ही करेंगे। और हम आज इस मंच से ये ऐलान करते हैं कि लोकसभा की 7 सीटों से हम इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे अंदर इतना दम है, हम जाग चुके हैं और हम जीत हासिल करके रहेंगे। मैं उन सरकारों को बता देना चाहती हूं कि अब मेरा भाई बहकावे में नहीं आएगा, अब मेरी बहन बहकावे में नहीं आएगी, उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जाएगा, उनके हकों को सुरक्षित किया जाएगा, वो आए हमसे मिले और हम उन्हें टिकट देंगे, चाहे वो कहीं से भी लड़े, चाहे हम किसी पार्टी के साथ मिलकर टिकट दें या इंडिपेंडेंट तरीके से, लेकिन हम उनको आगे बढ़ाएंगे। जहां से भी, चाहे वो केजरीवाल की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, वहां पर अगर हमारा बच्चा जाता है उसको दैनिक दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन हम जितनी भी सीटें हैं हम सब पर अपने लोग उनके खिलाफ खड़े करेंगे। हम देखते हैं कि जीत कैसे नहीं होती, हम देखते हैं कि सत्ता का परिवर्तन कैसे नहीं होता। हम शिक्षा के लिए काम करेंगे, जब हमारी सरकार आएगी, हम लोगों की जब सरकार आएगी, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि समाज के अंतर्गत संविधान के आर्टिकल 21A के अनुसार जो इन्होंने बाबा साहब ने जो हमें दिया था, शिक्षा का अधिकार सभी को अनिवार्य और शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा, जिसको कि ये इन्होंने प्राइवेट करके लोगों को बरगला दिया। मेरे समाज के बच्चे को आज शिक्षा नहीं मिलती, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि 12वीं तक सभी के लिए समान शिक्षा का व्यवस्था की जाए और सभी को अनिवार्य शिक्षा दी जाए। हमारा बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा, हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ उसे किस तरह से टेक्निकल एजुकेशन दी जाए, ये हमें सोचना पड़ेगा। इसके लिए हमने अपना घोषणा पत्र बना लिया है, हमारे पास घोषणा पत्र है, हमारे पास सब चीज हमने तैयार कर ली है, बस अब बचा है तो सिर्फ मैदान में आना। मैं अपने भाई बहनों से ये उम्मीद करती हूँ, उनसे एक सपोर्ट की उम्मीद करती हूँ कि तन से मन से धन से जैसे भी हो हमें सपोर्ट करें और अपने हक अधिकारों को वापस लें, क्योंकि यह मेन मुद्दा समाज के हक और अधिकारों का है। जब समाज जाग जाएगा, जब समाज पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख तो गया, बहुत पढ़ गया, लेकिन मैं अपने समाज से ये भी उम्मीद करती हूँ कि वो समाज को पे करें। जब तक समाज को तुम पे नहीं करोगे, अपना बच्चा तो आगे बढ़ जाएगा लेकिन समाज आगे नहीं बढ़ेगा। हमें बाबा साहब की विचारधारा पे चलना है। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे खो दिए, अगर वो अपने लिए आज काम करते तो मैं आज यहाँ सूट में नहीं होती, मेरी बहन यहाँ सूट में नहीं होती, और हम भी किसी तरह से ऐसे सड़कों पे तमाशा करते या क्या करते या होते या नहीं होते ये भी नहीं पता, इसमें कोई दोराय नहीं है। तो हमें बाबा साहब की विचारधारा को लेके आगे बढ़ना होगा, समाज के अंदर कुरूतियों को दूर करना पड़ेगा, अपनी बहन बेटियों को आगे लाना पड़ेगा। मैं अपने भाइयों से, यहाँ जितने भाई बैठे हैं उनसे उम्मीद करती हूँ, अगर अपनी बेटियों को तुम ज्यादा भार नहीं ला सकते तो कम से कम उन्हें घर में तो अवेयर करो, पढ़ाई लिखाई के साथ उन्हें अवेयर करो और समाज में लाओ, समाज में आगे बढ़ाओ बहन बेटियों को, उनको नेतृत्व दो, कोई फिर देखना हमारा समाज कहाँ पहुंच जाता है, फिर हम 85% की बात करेंगे, अदरवाइज हम 85% नहीं है।
अगर हम अपने एक हिस्से को छोड़कर आ जाते हैं तो हम 85% नहीं है। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें चिकित्सा का ध्यान रखना पड़ेगा। आज देखिए अपना इलाज कराना भी कितना मुश्किल हो गया है, कहां से कहां चली गई है व्यवस्थाएं, कुछ भी नहीं है, सब डमडमा रह गया है। ये सरकार आई और प्रगला कर चली गई। हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें समाज के रोजगार, चिकित्सा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें अपनी बहन बेटी की सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा, उसका किस तरह से विकास होगा उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हमारा समाज तो क्या हमारा देश आगे बढ़ेगा। और अब हम अपने समाज के साथ साथ अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा समाज इतना तो इतना जा गया है, अब वो देश को रिप्रेजेंट करे, तो हम उसी मुहिम को लेकर आगे निकले हैं। आज मुझे एक दूसरी जिम्मेदारी दे दी गई, ये मेरी खुद की जिम्मेदारी नहीं थी कि मैं पॉलिटिकल पार्टी में जाऊं या पॉलिटिक्स करूं, लेकिन मेरे समाज के लोगों ने मुझे चुनकर वहां भेजा कि नहीं बहन आप पॉलिटिक्स करो, यहां पर समाज को बहुत जरूरत है। तो ये पॉलिटिक्स करना भी मेरा कोई पर्सनल हित नहीं है, इसमें मैं आज मीडिया के सामने लिख कर दे रही हूं, यहां भी सिर्फ मिशन का उद्देश्य पूरा हो रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन पर चलना है और उन उद्देश्यों को पूरा करना है। तो मैं समाज के लोगों से, अपने भाई बहनों से ये अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकलें, जितना हो सके समाज में अपने बच्चों को जागृत करें, लोगों को अवेयर करें, उनको सही और गलत के बारे में बताएं, मंथन करें कि सही क्या है और गलत क्या है, तभी हम देश का विकास कर पाएंगे। अदरवाइज किसी को कहने से, किसी को बुरा कहने से, बुरा कोई नहीं है, यहाँ जितने भी लोग समाज में काम कर रहे हैं वो सब उद्देश्य को लेके काम कर रहे हैं, उनका कुछ उद्देश्य है। जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबके पेट भरे हुए हैं, याद रखना यहाँ किसी को कुछ नहीं चाहिए, यहाँ सिर्फ यहाँ दिमाग में आग लगी है, यहाँ लोगों के दिमागों में आग लगी है कि मेरे समाज का भला किस लिए हो, मेरे समाज का भला कैसे हो। तो इसी उद्देश्य को लेकर आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, हमने ये मीडिया बुलाई है। मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं मीडिया से गुजारिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को समाज तक पहुँचाया जाए।